तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य। चार पद है सूत्र में। तस्मिन् प्रथमा के एक वचन, इति अव्यय, निर्दिष्टे सप्तमी के एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन। तस्मिन् शब्द का अर्थ है सप्तमी, तस्मिन् शब्द का अर्थ है अनुकरण है, वो प्रथमा के वचन ग्रुप बना दिया। उसका प्रकृति का अर्थ छोड़ करके विभक्ति का अर्थ जो है, विभक्ति का अर्थ क्या है सप्तमी, उसे भी एक वचन वगैरह छोड़ देंगे। विभक्ति में एक वचन तो भी है ना, वो छोड़ देंगे। और पुलिंग में लाई गई तस्मिन है, तस्याम नहीं है, पुलिंग है, वो सब चीज छोड़ करके केवल सप्तमी इतने अंश मात्र का अनुकरण। सप्तमी निर्देशेण इति शब्द के आधार पर बोल रहे हैं। सप्तमी निर्देशेण विधीयमानं कार्यं, निर्दिष्टेकार विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यां, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यां। कालकृत व्यवधान हो तो कोई परवाह नहीं, है ना, वर्णांतर रूप देशकृत व्यवधान नहीं होना चाहिए। कालकृत व्यवधान अब भगवान ने सूत्र से बोल चुके हैं, यहां बोलने की जरूरत नहीं उसको। किस सूत्र से कहा? परास निकर्ष संहिता, वहां का ना कालकृत व्यवधान का अभाव का नाम संहिता संज्ञा। से कालकृत व्यवधान अभाव को बोता ही चुका है, यहां पर भी अव्यवहित से कालकृत व्यवधान के अभाव को नहीं लेना, किंतु वर्ण देशकृत मतलब वर्णकृत व्यवधान, इसे कहते वर्णांतरेण अव्यवहित से कहना पड़ा। पूर्व से बोध्याम देखिए, इसमें बाल मनोरमा आगे है ना, 49 पृष्ठ में। तस्मृति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इको यण चित्यत्र अचि इकह यण स्यात् इति अवगतम्। इक के प्रसंग में यण का उच्चारण होना चाहिए अचे पढ़ते हुए, यह बात आपने कह दिया, लेकिन तत्र अचो वर्णांतराधिकरणत्वम न संभवति सति सप्तम्य आश्रयणीया। और वहां अच्छी जो सप्तमी है उस सप्तमी में क्या देना पड़ेगा? अच्छ में बैठा हुआ ले सकते हैं क्या? अच्छ में कोई दूसरा वर्ण में वर्ण बैठेगा? वर्ण पर वर्ण नहीं हो सकता, इसीलिए अर्थ भी क्या है वहां सती सप्तमी औपश्लेषिक सप्तमी, अच्छ के परे रहते हुए अच्छ का समीप में रहते हुए यह अर्थ लेना पड़ेगा। वह करे वर्णांतर में का अधिकरणत्व अच के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए सप्ती सप्तमी को ही स्वीकार करना होगा। अच्छी सती अच के परे रहते इको एंड से अदिति तत्र व्यवहित अव्यवहित इको प्रश्नोठा, व्यवहित होना चाहिए कि अव्यवहित होना चाहिए, ये व्यवस्था कौन देगा? परिभाषा सूत्र लाए बिना होगा नहीं। इको एंड प्राप्त तस्य समिधम इत्यत्र धकार व्यवहिते, यदि हम व्यवहित में भी करने लग जाए समिधम में क्या है? समी में मी में ई है, ध में अकार है, और ध के व्यवधान होने पर भी ई से पर में अ मान करके ई को यण करने लग जाएंगे वहां। धकार व्यवहित अकार सत्यपि मकाराधिकार से यण होने लग जाएगा, तथा अच्छी सती पूर्व से परे से वह एक और संशय है, पूर्व अच्छ को क्या इक को करना है परच के परते हुए, या परमेरण को इक मानकर पूर्व वाले अच को अच मान करके पर वाले इक को किया जाए, क्योंकि दोनों जगह हो सकता है ना। ये सुधीधन उपास में भी क्या है? सुधी के इकार भी एक है, पर वाला उपास भी एक है। अब किस इक को करें, पूर्व इक को या पर इक को? जब पूर्व को इक मानेंगे तो पर में हम अच्छु धर्म देखेंगे, और जब पर में इक मानोगे तो पूर्व को अच्छु धर्म देख लेंगे, अव्यवहित तो मिलेगी अच्छा आपको। तो अव्यवहित पूर्व के स्थान में ही हो और पर को निमित्त मानो, पर एक को निमित्त रूप अच्छ मानिए और पूर्व को स्थानीय रूप एक मानिए, इसमें क्या प्रमाण? यही ये परिभाषा सूत्र ही लगाना पड़ेगा। इसे दो काम कर रहा है, व्यवहित है या अव्यवहित ये निर्णय दे रहा है, सब पूर्व या पर इसका भी निर्णय दे रहा है। ततश्च
तब क्या होगा पूरे से परसवाई को प्राप्त, तो दधि उदकम, दधि उदकम दोनों ही कहना पूर्व पर दोनों ही। इत्यत्र इकारे अच्छी उकार से परस्य अपि कोई अनुसार इकार रूपी इकार के स्थान पर अच्छ रूपी उपा उकार के प्रत्यय हुए इक को यण होया। तत्र अव्यवहित एव अच्छ भवती न व्यवहित, इसे सूत्रकर्ता क्या है अव्यवहित अच्छ के प्रत्यय भी करना व्यवहित अच्छ में नहीं करना एक व्यवस्था। दूसरी पूर्व से भवती न परस, पूर्व के स्थान इक के स्थान में ही होगा पर के स्थान में नहीं होगा, ये दो व्यवस्था देने के लिए सूत्र आरंभ है। इत्यर्थम इदम आरभ्यते, इन दो व्यवस्थाओं को संपादन करने के लिए यह सूत्र आरंभ हुआ है। तस्मिति न तच्छब्द स्वरूप परा, यहाँ तच्छब्द को स्वरूप परक नहीं लेना, तच्छब्द का सप्तमी के एक वचन करके तथा सती क्या होगा यदि ऐसा लोगे जिस सूत्र में तस्मिन शब्द आया है वहां करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा, फिर इको एंची में लगाना है, इको एंची में कहीं तस्मिन शब्द तो है नहीं। ऐसा भी व्याकरण में है क्या सूत्र जिसमें तस्मिन प्रयोग हो, कहते हैं तस्मिन ननिच युष्माकास्माकौ इत्यादयैव प्रवर्तित, उन सूत्रों में परिभाषा सूत्र जाकर बैठेगा जिन सूत्रों में तस्मिन शब्द प्रयोग करके कोई विधि विधान हुआ हो। जैसे गुण शब्द प्रयोग करके जहाँ गुण विधान हो, वृद्धि शब्द प्रयोग करके जहाँ वृद्धि विधान हो, वहां जैसे परिभाषा गया इको गुण वृद्धि, इसी प्रकार यहाँ भी कहेंगे हम तस्मिन शब्द जिस सूत्र में आया है उसी सूत्र में परिभाषा चला जाएगा। तब ऐसे सूत्र भी हैं पाणिनि के व्याकरण में, ऐसे सूत्र में ही जाएगा तो इको एंची इत्यादि में लागू नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए न तो इको एंची इत्यादि किंतु इको एंची इत्यादि सूत्रगत अचित्याय सप्तम्यंत पद से तस्मित अनुकरण सैन हम करें क्या क्या, इसीलिए फिर तस्मिन को कहते कि देखो इको एंची इत्यादि सूत्र विद्वान जो अच्छी अच्छी में क्या हम देख रहे हैं सप्तमी, उस सप्तमी का द्योतन करने के लिए तस्मिन में अनुकरण मात्र किया, उसी सप्तमी पद का ही तस्मिन की अनुकरणम, फिर इति शब्द क्यों दिया, चलो तस्मिन तो हो गया अनुकरण हो गया। इति इति अनंतरम गम्य अर्थे विशेषः, सप्तमी अर्थ गम्य हो तो, इति का मतलब क्या है सप्तमी अर्थ गम्य हो तो, मैंने सप्तमी निर्देशेन, प्रतिकार इसको क्या कहा निर्देशेन, मैंने सप्तमी का अर्थ जहां गम्य है वह जहां बोध्य है वह निरिति, आप निर्दिष्ट की व्याख्या कर रहे हैं, निरसुपसर्ग का अर्थ है नैरंतरी में नैरंतरी, दिशि दिश धातु का अर्थ यहां क्या लेंगे उच्चारण, एवं च इसका अर्थ इको एनची, एवं च इको एनची रायो हली इत्यादि सूत्रेशु अच्छी हली इत्येवं सप्तमिंद पद गम्य अर्थ, सप्तमिंद पद गम्य अर्थ अकारादौ दद्यत्र सुदिपासे इत्यादि प्रयोग दशायां निर्दिष्टे अव्यहितोच्चारिते सति पूर्व से कार्य भवति न तो व्यहितोच्चारिते नापि परस्य इति फलितोऽर्थः, इस परिभाषा का पूरा अर्थ निकलता है कि कोई अणची और आयो हली इत्यादि सूत्रों में जहाँ अच्छी हली ऐसा सप्तमी का श्रवण हुआ है और सप्तम पद के द्वारा गम्य अर्थ क्या है उस अकार आदियों के प्रवृत्ति हुए हैं, जैसे दधियत्र सुधि उपास्य इत्यादि प्रयोग दशा में निर्दिष्टे माने अव्यवहित उच्चारिते सती और पूर्वस्य अव्यवहित उच्चारित होने पर पूर्व के स्थान में कार्य होवे ऐसा कहकर आपने सब जगह यण किया, न तो व्यवहित उच्चारिते न भी परस्य यह निचोड़ अर्थ निकलते व्यवधान च, और व्यवधान भी कहा लेना अव्यवहित आपने कह दिया, किस प्रकार के व्यवधान या भाव को कह रहे हो आप, जवाब दे रहे हैं व्यवधान जो वर्णांतर कृतम एव निषिध्यते न तो काल कृतम, व्यवधान का जो निषेध किया वो वर्णांतर कृत समझना काल कृत निषेध नहीं है यहां, क्यों जी कदे इकोयण ची इत्यादो कालकृत व्यवधान से संहिताधिकारादेव निरास लाभा, संहितायाम के अधिकार में ही तो कालकृत व्यवधान का भाव तो कह ही रहा है उसी से चरितार्थ हो गया। तत्र कालकृत व्यवधान से आप अनेन एव सूत्र निरास है संहिताधिकार से वही अर्थ आ पाता, यदि इसी सूत्र से वर्णकृत व्यवधान को भी निषेध करोगे इसी सूत्र से कालकृत व्यवधान का विधान को निषेध कर दोगे फिर तो संहिता में अधिकार आरंभ करना ही व्यर्थ, परास निकर्षा सूत्र भी बेकार है और संहितायाम का अधिकार भी बेकार है।
एवंच ये संहिताधिकार बहिर्भूता, इन समस्याओं की फिर जहाँ संहिताधिकार के बहिर्भूत है वहां के सूत्र नहीं जाएंगे फिर तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य। कहते संहिताधिकार बहिर्भूता अनांग्रतो द्वंद्वे देवता द्वंद्वे च इत्यादि उत्तर पदे परतः आनंगादि विधय ते सर्वे अग्नाविष्णु इति अग्नाविष्णु इत्यादि अवग्रहे काल व्यवधान अपि भवन्ति। वैसे काल व्यवधान में भी हो रहा है, वहां संहिता नहीं है काल का व्यवधान है फिर भी वहां पर आंगादेश कर दिया विग्रह वाक्य में भी अग्ना विष्णु अलग कर दिया। ये तो अग्नि विष्णु था, अग्नि की कार को आनंदादेश हो गया है, आनंद होकर के वो अग्ना हो गया। लेकिन जब विग्रवा के करोगे अलग अलग करोगे तो अग्नि विष्णु तो लिखना चाहिए, क्या संहिता तो है नहीं, संहिता तो समास में है, यहां विग्रह वाक्य में समास हुआ नहीं, वहां तो अग्नि होना चाहिए, वह अग्ना कैसे आदेश हुआ, कैसे संहिता के बिना भी आदेश हो जाता, क्योंकि वो सूत्र संहिता के अधिकार में नहीं है, वहां कालकृत व्यवधान होने पर भी आदेश इष्ट है। और यदि हम ये सूत्र को हटा देते तो सर्वत्र कालकृत और देशकृत सर्वदा व्यवधान सर्वत्र लगाने लग जाए और संहिता में अधिकार ना हो तो क्या होता, ये सूत्र पूरा अष्टाध्याय में लागू हो जाता तस्मिन् पूर्वस्य, फिर आनंद तो तुंदे में भी लागू हो जाएगा, वहां भी सूत्र जाके कहेगा अव्यवहित कैसे देशकृत और कालकृत दोनों प्रकार का व्यवधान होना चाहिए, फिर तो अग्ना विष्णु विग्रह वाक्य में प्रयोग नहीं हो पाएगा। इसे संहिता सूत्र बना के संहिता अधिकार बनाना और वहीं पर इसको लागू करना उचित है। ये वंच इत्यादि ते सर्वे अग्ना विष्णु इति अग्ना और विष्णु दूर दूर रख दिया देखो इत्यादि अवग्रह काल व्यवधान अपि भवन्ति एतत् सर्वं विप्रेत्य पर्यवसन्नार्थं महा, इन सारी बातों को मन में रखते हुए निचोड़ा निकला वार्त को बता रहे सप्तमी निर्देशन इत्यादि के द्वारा वृत्तिकार। यदि सूत्राक्षरणुयायी पंता, यहाँ सूत्र में जो शब्द है उसके अनुसरण करता हुआ अर्थ को निकालने वाले लोग हैं उनके ही के आधार पर कह दिया गया। अतिशायने तमपित्यत्र तो नियम परिभाषा प्रवर्तते, अतिशायने सप्तमी ने यहाँ पर भी उस अर्थ में आपने तम प्रत्यय करना है, वहां भी सप्तमी है, फिर यहाँ क्यों नहीं लगे गए परिभाषा। सप्तम्यंत अतिशयन पदार्थस्य शब्द रूपत्व भावेन अव्यवहित उच्चरितत्व रूप निर्दिष्टत्व असंभवा, कारण क्या है वहां अर्थ का संकेत मात्र है ना, उस वर्ण का पर आना जरूरी नहीं, अतिशय शब्द का पर में रहते हुए कह रहे हो क्या, क्या अतिशय अर्थ में कर रहे हो आप अर्थ में कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है शब्द स्वरूप वहां आने वाला नहीं है। और यह बात जो हो रही वर्ण के अंदर व्यवधान का अभाव माने शब्द स्वरूप का व्यवधान का अभाव, इसलिए ऐसी जहां अर्थ परक सप्तम्यंतों की सूत्र में प्रयोग हुआ हो वहां पर सूत्र जाएगा नहीं। कि सप्तम्यंत अतिशयन पदार्थ से शब्द रूपत्व अभाव है ना, कि सप्तम्यंत जो अतिशयन है ये जो आप पद के अर्थ ले रहे हैं और वह अर्थ क्या है शब्द रूप नहीं है, इसलिए अव्यवहित चरित्र रूपा जो निर्देश है वह असंभव है। कि निर्दिष्ट करते आपने क्या किया, निर्दिष्ट कर निरंतरी पूर्व उच्चारण निर्कर निरंतरी जिसका उच्चारण कर दिया, निरंतर उच्चारण होना चाहिए ना, यह निरंतर उच्चारण में अतिशय शब्द का उच्चारण हो नहीं रहा, उसे अर्थ जब हम लेंगे केवल वहां शब्दोच्चारण नहीं रह जाता है, इसलिए जहां शब्दोच्चारण है ही नहीं वहां पर सूत्र लागू नहीं होगा। न चेमपि कर्तृकर्मणो कृति इत्यत्रापि कर्तृकर्मणो कृति, कृति सप्तमी का एक वचन, वहां तो निरंतर उच्चारण रहता ना, पर मैं कृत के रहते हुए आप कर रहे हैं पूर्व में कार्य अपि इत्यत्र अपि अस्या परिभाषाया प्रवृत्तो कर्तृषष्टि कर्मषष्टि च कृष्णस्य कृति जगतः कृति कर्ता कृष्णः इत्यत्रैव स्यात्, ऐसे जगहों में ही जाएगा जहां डुकरी करने धातु का प्रयोग हो रहा है, वहां कृति से क्या लेंगे कृदंत नहीं लेगा, जब आप अर्थ पर नहीं ले सकते ना, जब आप कृति शब्द में सप्तमी आया सप्तमी आया तो शब्द पर लेना पड़ेगा, शब्द पर क्या होगा डुकरी करने धातु के रूप के पर रहते हुए
धातु का रूप पर में रहेगा, मैंने क्री धातु का रूप पर में रहते हुए, क्री धातु के रूप में क्या कृति है, कर्ता है, करण है, ऐसे शब्द क्री धातु के जो रूप है उनके पर रहते हुए करने लगेंगे, और कृदंत कोई भी शब्द हो उसके पर रहते हुए सूत्र लागू नहीं हो पाएगा, ये आपत्ति हो गई, इसलिए वहां भी ये सूत्र को लगाना नहीं है। कृष्ण से कृति जगत कर्ता, ऐसे जगहों में भी सृष्टि होने लगेगा, न तो कृति कृष्ण से कर्ता जगत उल्टा रख दो तब क्या होगा, फिर सृष्टि नहीं होना चाहिए। इत्यत्र इति नच वाच्यम, ऐसा शंका न करे। लक्ष्यानुरोधेन क्वचित एवं जाति केशवस्य परिभाषा प्रवृत्ति, क्योंकि हमेशा व्याकरण में क्या है, लक्ष्यानुरोधेन ही सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। यदि लोक में शाह वेदों में प्रसिद्ध जो रूप है उस रूप को बिगाड़ने वाले के कोई सूत्र लग रहा हो, ऐसा कोई सूत्र लगाना नहीं है ना जो प्रसिद्ध रूप विकृत हो जाए बिगड़ जावे। इसीलिए हम शब्द जो पहले से ही बने ना, बार बार हम कहते हैं व्याकरण बना कब, व्याकरण पहले कि भाषा पहले, भाषा पहले सी थी, और उस भाषा में विकृति को रोकने के लिए व्याकरण बनाया गया। जो भाषा पहले से प्रसिद्ध है तो वो शब्द तो पहले से है, और हम सूत्र जो बना रहे हैं 4000 सूत्रों में से सारे शब्दों को बनाना है, तो कुछ ऐसे भी सूत्र होंगे जहां नहीं लगना चाहिए वहां भी लगने लग जाए, कुछ ऐसे भी रूप होंगे जिसके लिए हमारे कोई सूत्र ही नहीं है। बहुत सारे रूप हैं, शब्द बनते हैं, बने हुए हैं, जिनके लिए हमारे पास व्याकरण में सूत्र नहीं। अगर आप क्या बोलते हैं, निपातन से हो गया, अमुक गण में ले ले इसको निपातन से बना दो, बहुत सारे गण को क्या किया आपने, आकृति गण, आकृति गण बना करके, आकृति गण का मतलब ये उसके उसमें शब्दों के रूप में जो सूत्र लगे हैं वह उसी के सदृश जहां कहीं भी जो कोई भी शब्द प्रयोग हो रहा हो उनको भी उसी गण में लेकर के निपातन अधिकारी करो जो सूत्र लगन लगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी व्याकरण में। अतः ये जो रूप है प्रयोग होते हैं, और यह तस्मित दृष्टि पूर्व से जाएगा कृति ही कृष्णस्य जगत, कर्ता में तो बन जाए कृति के पर, कर्ता जगत बोलेंगे तो वह षष्ठी नहीं होना चाहिए, यानी प्रयोग होता है। ऐसे जब लक्ष्यानुरोधन हम क्या करेंगे, तब इस सूत्र को ऐसे जगहों में प्रवृत्ति नहीं कराएंगे। क्वचित एवं जातिकेशु अस्य परिभाषाया अप्रवृत्ति, लक्ष्यानुरोधन ऐसे सूत्रों का प्रवृत्ति नहीं करेंगे, ये बात हम अपने मन से नहीं करें। यदि स्नान न लोप इति सूत्रे भाष्य प्रपंचित, स्नान न लोप सूत्र का भाष्य में भाष्यकार ने स्वयं विस्तारोपण कहा है। वस्तुतस्तु भाषानुसारेण अत्र सूत्र निर्दिष्ट ग्रहणम संहिताधिकार सूत्र विफलम एव, और वास्तव में भाष्यकार बहुत शास्त्रार्थ करने निर्णय दिया, संहिताधिकार की जरूरत नहीं कहा, संहिता सूत्र की भी जरूरत नहीं है, संहिता एवं अधिकार की भी जरूरत नहीं, और दूसरा इस सूत्र निर्दिष्ट की भी जरूरत नहीं। अव्यवहित वर्णोच्चारण अर्थ निकाला हमने, अव्यवहित वर्णोच्चारण किसे निकला था, निर्दिष्ट इसकी भी जरूरत नहीं है कहा हमने। विफलम एवं इकोयंची इत्यत्र वक्षते, इस बात को यहाँ पर हम भी इकोयंची सूत्र जब पढ़ाएंगे विस्तार रूपण यहाँ हम स्वयं विचार भी करेंगे। इस प्रकार से तस्मिन निष्ठे पुरुष पर विचार बालनामा में पूरा हो गया। अब आइए तत्वोधने वापस लौटिए 46 में। सप्तम्यंतानुकरणमिदं, तस्मिन शब्द क्या है, सप्तम्यंत का अनुकरण है। निःशब्दो नैरंतरी परा दिशि उच्चारण क्रिया, निरुपसर्ग जो है निरंतरता मैंने अव्यवहितता अर्थ बताने के लिए है, और दिशि जो है उच्चारण मैंने अव्यवहित वर्णोच्चारण, ये अर्थ हुआ। अचियुक्त अच के परते व्यण हो गए ऐसे कहने पर व्यवहित अवहित चती प्राप्त अव्यवहित ये वही विवहित में हो गए अव्यवहित में हो गए ऐसी आशंका होने पर अव्यवहित में हो ऐसी व्यवस्था देती है सूत्र। पूर्व से परिचय प्राप्तम, तो पूर्व के स्थान में अपर के स्थान में यह आशंका दूर करते हुए पूर्व से वही थी पूर्व में हो गए निर्णय दिया दिशा। नियम्यते ऐसा अनियम में नियम करता है अव्यवहित तो फलितार्थ कथनम,
इसे सारी बात को मन में रख करके सीधे अव्यवहित से जो बोला गया मूल में वो फलितार्थ कथन है। पूरे किम दम में उदक उकार गणा ना होवे अत्र उकार से मा बोत अव्यवहित सेवित किम अग्निचित अत्र सोम शुद्ध अत्र इत्यादियों में व्यवधान चत्र वर्णकृतम एव निषिध्यते। व्यवधान यहां पर वर्णकृत को ही निषेध किया है न तो कालकृतम। संहिता अधिकारात ज्ञापता, संहिता का अधिकार कही यहां ज्ञापन करता है। अन्यथा निर्दिष्ट ग्रहणादेव असंहितायाम यणाद्य अप्रसंगात किम तेन संहिताधिकारेण अत व्याचष्ठे वर्णांतरण व्यवहितसीति। क्योंकि यदि यहाँ देशकृत कालकृत सभी अव्यवधानों को ले लेते फिर निर्दिष्ट सूत्र में ग्रहण करके असंहिता में यण के प्रसंग नहीं है जो बात कहने के लिए प्रयोग किया गया था तो ऐसे विषय में भी किम तेन संहिता अधिकारेण वहाँ यही सूत्र जा करके यदि कालकृत अव्यवधान कथन कर देता है फिर संहिता अधिकार से क्या लाभ होगा। एवं संहिता अधिकार बहिर्भूत विधेय काल विवाही भी संभवंत। ये संहिता अधिकार के बाहर में रहने वाले जो विधियाँ हैं ये काल के व्यवधान होने पर भी होते हैं। तेना अग्नाविष्ट वही दृष्टांत इत्यादि अवग्रह अपि आनंगृतो द्वंद्वे देवता द्वंद्वे च इत्यादि ना उत्तर पदे परतो विहित आनंगादयो भवन्ति इति। देख उत्तर पद के परते हुए कहा था इन उत्तर पद का व्यवधान हो गया यहाँ अवग्रह चिन्ह अवग्रह वाक्यों में तो अलग अलग जब दूर में रख दिया तो व्यवधान माना जाएगा कालकृत व्यवधान है फिर भी वहां पर आदेश हो जाता है। तस्मादित्युत्तरस्य पंचमनिर्देशेन क्रियमाणंकारं वर्णांतरण व्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। यहाँ भी तस्मात् पंचमी का अनुकरण है। इतिशत पूर्वत्ति निर्देशक का बोधक है अनिर्दिष्ट लिया उसे अव्यवहित से अर्थ निकल जाएगा परस्य यहाँ पर ही उत्तर से अर्थ परस्य है। तस्मादिति इसका देखिए बाल मनोरमा पहले पृष्ठ संख्या 50 में तस्मादित्युत्तरस्य द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपयित उदस्तास्तम्भो पूर्वस्य इत्यादि सूत्रगत पंचम्यन्तस्य अनुकरणम् तस्मादिति। इन सूत्रों में जो पंचम्यन्त है उन्हीं को संकेत करने के लिए अनुकरण किया तस्मात् 6397 है 8461 है द्वंद्व उपसर्गेभ्यो अपयित उदस्तास्तम्भ पूर्वस्य 8461 का है। इत्यादि सूत्रगत पंचम्यंतों का अनुकरण किया तस्मात् इति शब्दानंतरम गम्यर्थ इतिशेष इति शब्द के अनंतर इसलिए गम्यर्थ भी ग्रहण करना पड़ेगा। निर्दिष्टे इति अनुवर्तते अनुवृत्ति किया वहां भी वही अर्थ है निर्दिष्टे में निरति निरंतर ही है दिशिर उच्चारण है। द्वंत इत्यादि सूत्रेशु पंचम्यंत गम्यर्थे द्वंत द्वंतरादि शब्दे निर्दिष्टे अव्यवहितोच्चारिते तत्सति एव तथा परस्यैव ईत्वं भवति उसे परमे रहने वाले को ईत्व होता है न तो व्यवहिते उच्चारिते द्व्यादि शब्दे नापि तत्पूर्वस्य भवति। व्यवहित से उच्चार द्व्यादि शब्द के होने पर नहीं होगा और पूर्व के स्थान में नहीं होगा ये नियमन करने के लिए ही नियमार्थम इदम सूत्रम तदा पंचम निर्देशन इत्यादि ना। उत्तर से किम पर से क्यों कह रहे हो आप तिंग तिंग इति निघात कुत्र सेव भवति। तिंग तिंग सूत्र से पर तिंग तिंग क्या है पंचमेंत अतिंग से परम में आया हुआ तिंग को क्या करता है अनुदात करता है। तिंग तिंग निघात शब्द का अर्थ होता है अनुदात। दृष्टांत है अग्निम ईले अतिंगंत कौन है अग्निम अतिंग है ना वो सुबंध है अतिंगंत है उसे ईले क्या है तिंगंत है उसको कर दे उसने अनुदात। ये उल्टा रख दी जाए तो सूत्र लागू नहीं होगा नय ईले अग्निम पूर्व में हो गया ना वह तिंगंत पूर्व में विद्यमान तिंगंत को नहीं करेंगे कि सूत्र में परस्य कह दिया है। अव्यवहित है किम वो भी अवैध होना चाहिए क्यों कहते हो उत्प्रस्थानम
उदस्ता स्तंभो सूत्र यहां लगानी, जो पीछे प्र बैठ गया है उससे अव्यवहित जो पर में स्था धातु नहीं है, उदस्ता स्तंभ इसलिए यहां नहीं लगा। उदस्ता स्तंभ रीति पूर्व सवर्णो न भवती, पूर्व सवर्ण नहीं लगा। लौटे 46 में ये छपाया, बहुत ही गड़बड़ा के पीछे बहुत करना पड़ता है ठीक का देखने। तस्मादिति उत्तर से दिग्गिम वही दृष्टान्त तिंग तिंगा यदि निघात उत्तर से वे दास्यात अग्नि मिले दृष्टान्त है ये न यह ईले जाओ तिंगंत पूर्व में आ गया, अतिंगंत पर में हो गया, वहां पर अतिंगंत पर में है उससे पूर्व में विद्यमान तिंगंत को इसलिए नहीं होगा। अव्यवहित ये तो चंदिष्ट ग्रहण अनुवृत्तिया लभ्यते, यह अर्थ जो अव्यवहित जो शब्द है ये तो निर्दिष्टिक अनुवृत्ति करने से हुआ है। तेना उच्च संस्थान कुछ संस्थंभन या संसर्ग व्यवधान कर दिया बीच में इत्यादि उदस्ता पूर्व सवर्ण न भवती। अलौंत्यस्य अगला सूत्र अलौंत्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अलह आदेश स्यात्। षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो पदार्थ है वह अंत्य अल के स्थान में ही होगा, अंत्य अल के तस्मादि। अब आइए यहीं का पहले निपटा लो अलौंत्यस्य, यहां से वह चले जाएंगे। स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से च यह उच्चते, स्थान षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट जो होगा सो वह अंत्यस्य अलह स्थाने स्यात्, वह अंत्य अल के स्थान में ही होता है कह दिया। यहां पर अलह को षष्ठी का अनुकरण नहीं समझना, अल के स्थान में ही होगा, यह अलह षष्ठी का एक वचन का रूप है, मन अल के स्थान में अंत्यस्य अला स्थाने आदेशस्य। और षष्ठी निष्ठा वगैरह कहां से ला रहे फिर वहां अनुवृत्ति करेंगे ना वहां, वही देखो कह रहे हैं। इसलिए क्या लाभ है, त्रिदाज नाम से अ हुआ तत्शब्द अंत को ही हुआ सह यह इत्यादि रूप। स्थान षष्ठी थी किम, स्थान षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट क्यों कर रहे हो, आदि वलादेह इति त्रिचर्कारात् पूर्वं मा भूत्। आ धातु का सिट वलादे है, यार वलादी कौन है, त्रिच कत्री है तो वलादी है, उसके पूर्व को इट ना होवे, रिकारात पूर्वो रिकार कौन है त्रिच में त्री में त और री दो अल है, दोनों से अंत्यल कौन है री, उसके पूर्व में बैठना जाए, हमें पूरे त्रि के पूर्व बिठाना है ना, कैसे होगा, इसे षष्ठी निर्दिष्ट स्थान षष्ठी निर्दिष्ट होना चाहिए। और स्थान सृष्टि क्या है वलादी, अर्धकस्य अर्धातु जो वलाद्य अर्धातु कह दिया, अर्धकस्य वलादे, इसलिए क्या हो गया अर्ध इति त्रिश अकार ऋकारात् पूर्व मा भो इदं च षष्ठी स्थान योगी इति अनुवृत्त्या। अरे ना यह तो हम कैसे निकाले स्थान षष्ठी बार बार, कहते हैं षष्ठी स्थान योग सूत्र से षष्ठी का अनुवृत्ति कर दिया, वो अनुकरण था उसका अर्थ षष्ठ्यंत, षष्ठ्यंत का निर्णय लिया प्रसंगादि अर्थ लेकर के स्थान षष्ठी ले लिया है, वहां स्थान षष्ठ्यंत जो है उस जहां आया होगा वहीं पर परिभाषा जाएगा अलौंत्यस्य। अलौ इति किम, ये सूत्र में अलग बोलने की क्या जरूरत थी, अल में सिर्फ सारा वर्ण आ ही गए फिर अल कहने की जरूरत क्या, फिर अंत्य से कहते स्थान जो कार्य है वह कार्य अंत्य को होता है, अंत में जो भी वर्ण होगा उसके जगह कर ही देंगे, और अंत में जो वर्ण होगा वो अल में होता ही है, क्योंकि अल प्रत्यय क्या है पूरे वर्ण समान को ग्रहण कर रहा है, इसको कहने की जरूरत ही क्या, जब किसी को भी कर सकते हो तो पूरे अच कहने में लाभ है, क्यों अल को छोड़ा देंगे आप, व्यावर्तन हो जाता है, अल में कहने से किसका व्यावर्तन हो पाया, किसी का नहीं, फिर क्यों दे रहे हो ये शब्द अंत्य से विशेषण बना करके, ये प्रश्न उठा। अलैति किम पदस्यति कृत्य विधीयमानं वसु श्रंसु ध्वंसु अनुढां दह इति दत्तं परमाणुभ्याम इत्यादौ अंत्यस्य पदस्य मा भूत्। कहे सनो के पद संज्ञा वाले जो कार्य होते हैं वह भ्याम के प्रत्यय में क्या करना है, अनुढ के हकार को करनी है, अब पद संज्ञा दो दो हो रही ना, समस्या तो यह है कि नहीं, अनुढ का भी पद संज्ञा है और अनुढ्याम पूरे का भी प्रसंग है, पूरे काल सुप्तिगंधम मदम से प्रसंग है
और इसके इतने का स्वादिष्ट और सरल स्थान से पद संज्ञा है। अब किस पद के अंत में करो, तो हम कहें पूरे पद के अंत में होना चाहिए, तो भ्याम के मकार को दकार होने लग जाए, होना था अनढू के हकार को और हो जाएगा भ्याम के मकार को, या ना हो इसे अलग कहना पड़ा। इत्यादि कृत्य विद्यमान दत्तम परणा परमाणु भ्याम इत्यादि अंत्यस्य पदस्य माभूत। तो षष्ठी दृष्टि के स्थान में होगा ना, षष्ठी दृष्टि कौन है, वसु संस्कृत हाम षष्ठी है ना, इससे निर्दिष्ट जो होगा इसी को होगा, तो पद के अंत में नहीं जाएगा। इससे निर्दिष्ट कौन है, अनुडू, यदि अनुडू की प्रसंज्ञा जहां है उसी के अंत्य अल्प हो जाएगा, नहीं मिल जाएगा, इसीलिए यहां ये कहना जरूरी हुआ। बाल अलौंत्यस्य ने 50 में 50 पृष्ठ में अलौंत्यस्य अलिति प्रत्याहारो वर्ण पर्याय है। अलि एक प्रत्याहार है और से समस्त वर्णों को ग्रहण हो जाता है, इसे वर्ण के पर्याय रूपा है। अलिति षष्ट्यंतम, अल है षष्ट्यंत, षष्टी का अनुकरण आदि प्रतीक आदि नहीं है, तो षष्ठ्यर्थ कहां से निकाला आपने, ये षष्ठी स्थान षष्ठी स्थाने इति अनुवर्तित है, इन दोनों की अनुवर्ति कर ली जाएगी। तत् षष्ठी थी प्रथमांतम तृतीयांत वर्ण में देव, षष्ठी जो प्रथमांत थी उस सूत्र में अनुवृत्ति करके उसको क्या करेंगे, तृतीया में परिणाम कर लेंगे, यह वृत्ति में उसकी तृतीयांत आवश्यक है। निर्दिष्ट से इति शेष और निर्दिष्ट से को भी अनुवृत्ति कर लिया, स्थाने इत्यनंतरम विद्यमान इति शेष, स्थाने के साथ विद्यमानम को भी जोड़ लेंगे, इति को जोड़ ले मैंने इति को लिया एक तरह से विद्यमान स्थाने विद्यमान आदेश है षष्ठी दृष्टि से यह अंत्य हल तस्य से इत्यर्थ, प्रसंग में प्रसंग पे आए हुए विधियों को जो आदेश पर विधि दी है तो वह षष्ठी के निर्दिष्ट जो सूत्र में जो षष्ठ्यंत के निर्दिष्ट पदार्थ है उसी के अंत अल के स्थान में होगा, ऐसा निर्णय हो गया। तदाह षष्ठी इत्यादि ना, इसका लाभ कहाँ है, इसके आदि नाम अहो, उदाहरण क्या है, यह सह इत्यादि रूप बना दिया। आदेश यदि किम आदर्श बला दिया नहीं लगेगा, यदि आदेश नहीं कहते तो आगम को भी लागू कर देते, आगम को भी लागू करेंगे कहाँ बैठेगा, त्री के री के पूर्व आगे बैठ जाता, अंत्यल कौन है त्री में री, उसके पूर्व में बैठ जाएगा, जो आगम से टित है आद्यंत टकित हो, अंत्यल के आदि का अवय होकर बैठ जाता, री के आगे में ही बैठ जाएगा, वह ना होवे मैंने आगमों में परिभाषा सूत्र लागू ना होवे, इसलिए यहां षष्ठी कह दिया, आदेश कह दिया। आदेश यदि किम आदर्श त्रिचारिकारात पूर्वो मा भूत, अलैति किम पदस्य इत्यादि कृत्य विधीयमानम वसुश्रंसु इति दत्तम परमाणुभ्याम इत्यत्र अंत्यस्य कृष्णस्य पदस्य मा भूत, संपूर्ण प्रसंज्ञा जिसकी ऐसे भ्याम के मकारे वहां जाकर के न हो जावे मकार के स्थान में, इसलिए जरूरी हो गया। गिच्छो, उसके बाद आता है गिच्छा, अयम अंत्यस्यैव स्यात्, अयम अपि अंत्यस्यैव स्यात्, यह भी अंत के स्थान में ही होगा भले आने काल हो, इसलिए करे ना, वो तो एक काल में कर ही रहा है, अंत्यस्य अलह एक वचन थी एकत्व विशिष्ट अल के स्थान में होगा, लेकिन ये जो अनेक काल हो तो कहां आदेश करोगे आप, अधिकतर जितने भी इंगित है ना अनेक काल है, अवंग अनंग है ना, सब इंगित अनेक काल होते हैं, इसे विचार हो रहा है अनेक काल कहां बिठाएंगे आप, तो यदि अंत्य अल के स्थान में आदेश करो, अयम अपि अंत्यस्यैव स्यात्, ये किसको कर रहा है, ये अनेकाश सर्वस्य सूत्र को अपवाद करेगा, इसे दिया ना सर्वस्य मूल में, सर्वस्य मैंने अनेकाश सर्वस्य वो सूत्र का संकेत है, वो जो आगे आ रहा है इत्यस्य अपवाद, उस सूत्र का ही अपवाद करेगा, क्योंकि अनेकाल होने से तो आज जितने भी कित अनेकाल है वो क्या करेगा, संपूर्ण के स्थान में करो बोलेगा, अनेकाश क्या कहता है, जो अनेकाल आदेश है वो संपूर्ण के स्थान में करो, तब अनेकाल होते हुए वो कित है तो संपूर्ण में ना हो किंतु अंत मात्र में हो, ऐसे उसको बात करके सूत्र व्यवस्था देती है। अलौंत्यस्य गिच्छा
तो यही देख लो गिच्छो को, गिच्छो गकार इत्यस्य सा गित, गकार इत संज्ञा हो गया जिसका उसको गित कह देते हैं। अलौंत्यस्य इति अनुवर्तते, अलौंत्यस्य संपूर्ण का अनुवृत्ति करो, तदा अयम अपि इति गित अपि इत्यर्थः, यह गित भी क्या करेगा अवंग अनंग इत्यादि। इन्होंने तातंग लिख दिया पीछे में, वो तातंग की जरूरत नहीं यहां, क्योंकि वह क्या कहा है तू यो स्तातंग गाशिष्य नेत्रस्याम सूत्र है, अरे तू और ही संपूर्ण के स्थान में होगा, वह तो तू यो कह दिया ना, तू और ही के स्थान में तातंग हो रहा है, वहां किच्चा लगाना कोई मतलब ही नहीं। क्यों, यदि वहां किच्च को लगा भी देते तो क्या होता, तू के उकार को करते तात भरते, तू तकार तात हो गया और तकार लोप हो जाएगा, तात ही बचना ही है वैसे भी, तो तू को तात करने का कोई प्रयोजन नहीं पड़ता, इसीलिए वो अलौंत्य से लगाने का फायदा नहीं है, तातंगों को यहां हटाना चाहिए। इत्यादि आदेश उदाहरण भवती ननो अलौंत्यस्य इति पूर्व सूत्रेण ही असिद्ध है, किमर्थम इदम अलौंत्य सूत्र से इससे दो राधनांत्य अलग स्थान हो जाता, ये सूत्र आरंभ करके क्या जरूरत है, तब कद्याचताह सर्वस्यति अनेकाश सर्वस्यति वक्षमाणस्य सर्वादेशत्व विधेर अयम विधि अपवाद, अनेकाश सर्वस्य जो आगे आने वाले सर्वपूर्ण के स्थान में आदेश को विधान करने वाला सूत्र जो है उसका यह अपवाद करता है, अपोदित बाध्यते नहीं नीति अपवाद। देखो अपवाद शब्द का अर्थ करने से पहले नहीं किया, अपोद्यते माने बाध्यते अनिनीति अपवाद, बावल का करण गई, बावल का जो है करण में गई कर दिया, ये ना प्राप्ति विराट सत्य अपवाद इति अपवाद लक्षण भवति, अपवाद लक्षण है ये न अप्राप्त, न अप्राप्त न अप्राप्त दो बार नहीं आ गया ना, अप्राप्त फिर न प्राप्ति न प्राप्त माने अवश्यमेव प्राप्त, दृढ़ता निर्णय करता है, नये द्वयम दार्ढ्य सूचक, नये द्वय हमेशा क्या करता है दृढ़ता को सूचित करता है, मैंने अवश्य ही प्राप्त है, नहीं है समझ दो मैंने अवश्य ही है, डबल नहीं अभाव नहीं मैंने भाव है, अभाव अभाव करते हो जाता है भाव, या प्राप्त नहीं मैंने प्राप्त है, अर्थ निकलेगा जी अर्थात अवश्य प्राप्ति है, नहीं तो सीधे प्राप्त कर सकते ना, क्यों ना अप्राप्ति क्यों बोल रहे हो, ये न प्राप्त सीधे बोल रहे, ये न प्राप्त ना प्राप्त क्यों बता रहे, नहीं जो बोल करके वही प्राप्ति को बोल कराना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ और ज्ञापन करता है तो अवश्य प्राप्ति को बोल कराना है दृढ़ता पूर्वक कथन करने के लिए। यो विधि आरभ्य थे जिस विधि की अवश्य भावी प्राप्ति होने पर कोई दूसरी विधि जो आरंभ की गई हो वैसे स्थिति में सत जैसे वहां क्या है आदगुण सूत्र है, अच के पर रहते हुए गुण प्राप्त है तो वृद्धि रेचि जान लगाओगे, एच भी अच में ही है ना, तो वहां भी गुण प्राप्त हो जाएगा, तो अवश्य प्राप्ति किसकी हुई गुण की, ऐसे में आरंभ कौन विधि है वृद्धि रेचि, इसे वृद्धि रेचि आदगुणों को अपवाद इति अपवाद लक्षण अप्राप्ति इति भावेक्ता ये नैति कर्तरी में तृतीया दो नयो आवश्यकत्वं बोधयता, सब बात लिख दिए देखो यत् कर्तृक आवश्यक प्राप्त सत्य यो विधिर आरभ्य ये कार्य लक्षण कार्य कर रहे यत् कर्तृक आवश्यक प्राप्त हो सत्या जिस कर्तृक मैंने आदगुण कर्तृक अवश्य प्राप्ति होने पर यो विधि कौन सी विधि आरंभ किया वृद्धि रेचि आरभ्यमाण विधि क्या करेगा तस्य आदगुणस्य अवश्य प्राप्तस्य अपवादः माने बाधक इत्यर्थः अयञ्च न्याय सिद्ध यह भी लौकिक न्याय से सिद्ध है इसके कोई सूत्र से ज्ञापित नहीं हो रहा है बात अवंगादयो हि गितः आदेशाः सर्वे अनेकाल एव अनंगादि जितने भी गित आदेश होते हैं ना सब अनेकालादेशी हैं इसलिए तेषु च अनेकाल विशेषेषु उन अनेकाल विशेषों में विधीयमानेन गीताम अंत्योदेशत्वेन स्वविषये अवश्यं प्राप्तां अनेकाल सामान्येन विहितं सर्वादेशत्वं बाध्यते
इसलिए क्या हो रहा है कि गीत कैसे हैं, अनेकाल विशेष हैं ये सब, अनेकाल विशेष विद्यमान गीता अंत्यादेशत्व गीतों का अंत्यादेशत्व अपने विषय में अवश्य प्राप्त सूत्र कौन हो जाएगा, अनेकाल सामान्य न विहितम सर्वादेश, अनेकाल से सर्वस्य सामान्य सूत्र के विहित जो सर्वादेश प्राप्त था उसको ये सूत्र स्व विषय बाध्यते विशेष विहितत्व निरवकाशत्व, क्योंकि विशेष विहित है नहीं तो फिर गीत का कोई अवकाश ही नहीं रह गया, गीत ही करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विशेष शास्त्र ही विशेषेश झटिति प्रवृत्त है, विशेष शास्त्र अपना विशेष विषय में झटिति प्रवृत्त हो जाएंगे, और विशेषानाम स्वशब्देना उपातत्ता, क्योंकि विशेष जो होते हैं हमेशा अपने एक विलक्षण शब्द के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सामान्य शास्त्र तो सामान्य मुख्य विशेषेश प्रवृत्त है, और सामान्य शास्त्र क्या है, सामान्य मुख से विशेष प्रवृत्तों की चेष्टा करेगा, तस्य तेषु मंद प्रवृत्ति, इसलिए सामान्य सूत्रों का विशेष विषयों में मंद प्रवृत्ति होगी, झटिति प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः विशेष शास्त्र प्रबलम, इसे विशेष शास्त्र प्रबल होकर के सामान्य शास्त्र को बाध देता है। उक्तंच भट्टवार्तिके, इस बात को कुमार भट्ट अपने मीमांसा दर्शन में लिखा है, व्याकरण का नहीं है श्लोक, मीमांसा दर्शन का श्लोक है। अवश्यमेव सामान्यम विशेषम प्रति गच्छति गतमात्रं च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते ध्रुवम्। सामान्य सूत्र यद्यपि विशेष के विषय में भी जरूर चला जाता है, अवश्य प्रवृत्त हो जाएगा, इन प्रवृत्त उसको काम करने से पहले गतमात्रंच तत् गए हुए मात्र से उसे क्या होता है, कार्य नहीं होता है, किंतु तेन विशेष स्थाप्यते, उसके द्वारा भी वास्तव में अंत में विशेष को ही स्वीकार, जो चटित प्रवृत्त हो रहा है वह विशेष को स्वीकार करना पड़ता है, यह निश्चित है। ध्रुवम किंच इतना ही नहीं, यदि गिच्चेत शास्त्र अनेकाल विशेषेषु गित्सु न प्रवर्तेत, और गिच्चे सूत्र होता नहीं और गीत करते नहीं, ये शास्त्र ना हो फिर अनेकाल विशेषों में भी गीत की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तर्री तद अनर्थकमेव स्याद, सब रूप अनर्थ हो जाएगा, रूप ही बिगड़ जाएंगे सब। अनेकाश सर्वसित्यस्य तो गीत स्व प्रवृत्तों पर नानर्थक्यम, क्योंकि और अनेकाश सूत्र व्यर्थ नहीं होगा, अनेकाश सर्वस्य कि जो गीत नहीं है उन जगहों में काम तो कर ही लेगा, है कि नहीं, क्योंकि अनेकाश सर्वस्य तो गीत स्व अप्रवृत्तो अपि नानर्थक्यम, क्यों तस्तम अस्तिर्भु इत्यादि में तो काम कर रहा है जब गीत से नहीं है, इत्यादि से अनेकासु अगित्सु तस्य सावकाशत्वात्। अतः विशेष शास्त्र प्रबलम, इसे विशेष शास्त्र जो है गीत प्रबल होकर के अनेकाल को बाध देता है।